हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। रात के बज रहे हैं 2 और आज जो मेरी ट्रिप लग रही है वो ट्रिप लग रही है मेरी फैमिली ट्रिप। अभी वापस आए थे पूर्णागिरी से, तो उसके बाद कहीं जाना नहीं हो रहा था, तो 2 दिन का रेस्ट लिया बीच में। तो हमारी मम्मी बोली कि यार हर जगह ट्रिप लगाते रहते हो अपने मन से, तो चलो मुझे घुमा कर लाओ। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे हम लोग निकल रहे हैं कलियर के लिए। साथ में अपना भांजा भी है और बाकी अपनी फैमिली अंदर अपना आराम से बैठी हुई है और वो लोग नींद ले रहे हैं। चलिए यहाँ से करते हैं कंटिन्यू आगे एक आपसे मिलते हैं। और ये है झुमका चौराहा, बाकी देखो गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे चल रही हैं। ये है झुमका चौराहा और ये है अपना पेट्रोल पंप। पहले रानी को जो है पेट्रोल पिलाते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रानी पी रही है अभी पेट्रोल, कितना? तो 30 लीटर होना है पूरा। लंबे पे निकलो, उससे कम क्या हो पाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरेली के पहले टोल टैक्स पर, फतेहगंज साइड में। चलो भाई, भीड़ आज ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। सुबह के बज चुके हैं 3:09, रामपुर क्रॉस कर दिया है, बाकी हाईवे चल रहा है। एक बस आगे खड़ी है, उसके जो भी लोग हैं वो सब यहाँ बैठे थे, वो चाय नाश्ता कर रहे हैं अपना। और यहाँ हम लोग रुके हैं और ये देखो भाई, ये आ गई अपनी मस्त वाली चाय। तेरी का है? हाँ? तेरी चाय का है? आ जा। चलो चाय एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। ये अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे टोल टैक्स पर, ये शायद मुरादाबाद में, नहीं रामपुर क्रॉस करने के बाद जो पड़ता है। सुना भैया, ट्रैफिक चल रहा है इस टाइम भी यार, बहुत बिजी हाईवे भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। बाकी अभी टाइम हो चुका है, देखो 5:00 और ये बाबूजी ऊँग रहे बैठे देखो बराबर में, हर बात की यार कोई बात नहीं, हमें तो उछलानी है। और मजे की बात देखो भाई लोग क्या है, यहाँ हो रही है बारिश। थोड़ा हमारे साइड में बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ आके थोड़ा यार मूड फ्रेश हुआ यार देखकर बारिश को, है ना। थोड़ी हरियाली तो है यहाँ पे, मगर बारिश मिल गई और मज़ा आ गया। तो उम्मीद करेंगे कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही रंगीन मौसम मिले, ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गर्मी भी कम रहे भैया, बहुत ज्यादा सीरियसली परेशान हो गर्मी से यार। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, 120 किलोमीटर हो गया है। चलो आगे मिलते हैं। टाइम हो चुका है 5:20, मौसम आप देख सकते हो क्या मस्त हो रहा है। बादल देखो यार एकदम लदे हुए हैं, लबा लब बिल्कुल, सिर्फ बरसना उनका बाकी रह गया है। और बाकी देखो हल्की हल्की जो है झपट से पड़ रही है, ये पीछे की बारिश है जो हमें पीछे मिली थी। बाकी हवा तो देख सकते हो क्या मस्त चल रही है यार, ये रैपर पर पड़े हैं रोड पर, ये सब भाग रहे हैं इधर से उधर। तो अभी मैं हूँ नूरपुर में, यहाँ से बढ़ना है हमें इस साइड में। ये देखो कैसे मुँह फाड़ रहा था, इतना बड़ा वो फाड़ता, लगता अंदर मुर्गा बैठाने का पूरा ऐसे ही, सीरियसली यार। तो अभी हमें जाना है 107 किलोमीटर, तो ये दिखा रही है 2:05, मगर हमें चलना है अपने हिसाब से मजे करते हुए घूमते हुए। अब तक हमने 130 किलोमीटर कवर कर लिया है, कोई नहीं बहुत टाइम है, काम ही यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहीं रेस्ट करते हैं, फिर आपसे। आप सब लोग 11:30 बज चुका है,
और 9:30 बजे मैं सोकर उठ गया था। ऐसे ही नींद लगा, थोड़ी नींद मर गई थी गाड़ी में ही, तो नजीबाबाद में बाकी काफी जाम मिल गया था। उसके बाद फिर उठे और आगे कंटिन्यू किया। अभी हम लोग रुके हैं, ये देखो, खालसा पंजाबी ढाबा। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, एक गाड़ी ये खड़ी है और बाकी देखो ये अपना भांजा और माता जी हमारी अंदर गई हैं। तो चलो, फैमिली के साथ ट्रिप की है तो इनके साथ थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। मम्मी देखना चाह रही थी कैसे क्या करते हैं, क्या होता है ये वो, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये हमने निपटा दिया अपना ब्रेकफास्ट, और ये जो थाली हैं दोनों, ये हैं इसके अकेले की, बाकी पंडित जी तुम जानते ही उसके बारे में। वो रुक के गाड़ी में क्यों बैठ गया? बाकी मौसम देखो मस्त हो रहा है, हवा चल रही है, गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बारिश का मौसम ही हो रहा है। चलो, ब्रेकफास्ट यहाँ से निपटा दिया है और अब चलते हैं गाड़ी में। कुछ और खाएगा क्या? नहीं, उस टाइम तो बोलना कुछ मंगा लो। नहीं, बता देना, भूखा मत रहना ना, मालूम चले फिर तो बाद में पंडित जी के सामने वाले लोगों सामने जाके बोले कि भूखा रखा है। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, बाकी भी धूप ही का नाम लिया था कि धूप नहीं है, और धूप भी देखो आ गई। होटल देखो बहुत मस्त बना हुआ है यार, और बहुत ज्यादा सफाई सुथराई है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हरिद्वार, और भाई व्यू देखो क्या मस्त हो रहा है। तो ये बोलती रही बीच में बस, ठीक है। अच्छा, इससे एक फायदा और मालूम है क्या होता है यार, अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, क्योंकि म्यूजिक बीच में चलता हुआ ना, तो कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है। भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सीरियसली, कई जगहों पर वीडियो बनाने की प्लानिंग की, बना भी नहीं पाए। और इतने सालों बाद इस रोड पर आ रहा हूँ फिर से, जैसा काम छोड़ के हम लोग गए थे, ठेकेदार तो है नहीं जो काम छोड़ के जाएंगे, वो अभी तक सारा पूरा नहीं हुआ है, ऐसे कैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस बीच बीच में कहीं कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं गायब है, बिल्कुल वैसा ही है यार। इतना बिजी रोड है, इसको तो और अच्छा होना चाहिए था यार। खैर कोई बात नहीं, हम अकेले चलने वाले नहीं है। नदियाँ देखो सारी खाली है भाई, अभी आगे दिखाऊंगा। तो क्या मस्त व्यू लग रहा है भाई सच में। ये काम चल रहा है यहाँ पर, क्या मस्त व्यू है। मैंने भी तो ये कहा था यार, सूखी हुई है, बारिश हो नहीं रही है ऊपर, बारिश हुई तो मजा भी आया था। अरे यार ये लोग, तो अभी है मैं आ चुका हूँ हरिद्वार रोड से कलियर शरीफ रोड की रोड पर, ये चल रहा है ब्रिज। रास्ते में कितनी जगहों पे नदी थी मगर पानी बिल्कुल भी नहीं था, इसमें देखो पानी यार बिल्कुल एकदम फुल चल रहा है देखो। बाकी भांजा बोला है ये आ गया कि मामा चलो पास से एक बार देख कर आते हैं यार, कितना पानी चल रहा है ना, वो धुआं कैसे निकल। चले, तो वहां से जो हम देख रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ धुआं कैसा उठ रहा है यार, ये देखो यार पानी कितना तेज चल रहा है भाई, और कितने सारे लोग। अरे अंकल मत क्या यार, तुमने अंकल बना दिया सीधा, कौन कूदने वाला है भाई, वो कह रहे हैं मेरे पापा ने दिया। कितना सारा पानी चल रहा है देखो यार, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं देखो उधर भी, उधर भी देखो लोग नहा रहे हैं, और वो देखो रोड के उस पार जो है, वो नदी जो है ना, वहाँ भी देखो सारे लोग नहा रहे हैं अपना, और यहाँ पे भी नहा रहे हैं। कूद, हम नहीं कूदते,
और यार पेट में चोट लग गई इसके पर, ये एकदम खड़ा गिरा है ना नीचे, वो देखो अभी भी बहुत गहरा हुआ यार ये, कितना गहरा है और दो आदमी खड़े होंगे चलो यहाँ से हमें चलना है आगे, वहाँ तो आगे तक नहा रहे हैं लड़के यार, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। अभी यहाँ से निकल रहे थे तो पहुँचने वाले हैं हम, अभी 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और बाकी यहाँ भी रुके हैं यार। पानी देखो भाई एक बार, अभी उतनी कुछ खास बारिश भी नहीं हुई अभी तो, ये है कैसे कर रहा था, तैरना आता तुझे? नहीं वो तो बस ऐसे कर रहा था। बेटा हैवी है तू, ऐसा मत कर, गिर सकता है। यहाँ चले मामा? कहाँ? अरे नहीं धूप हो रही है यार, पहले वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलो तो हम लोग आने के बाद इस रूम में रुक गए थे, तो ये रहा अपना रूम, ये टीवी लगी है, ये एसी है, वो लैट्रिन बाथरूम अटैच हो गया, ये एक शीशा लगा रखा है, नॉर्मल सा वही 400-500 रुपये दो चार घंटे के लिए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो अपना, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, इसलिए हमने यहाँ रूम ले लिया था, थक भी गए थे, अपना आए नहाए धोए आराम से फ्रेश हुए, अपना कपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर आगे अब निकलते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे इतने सारे रूम यहाँ पर हैं, किसी को कभी भी आना है, लोग अक्सर पूछते हैं कि कहीं भी जाओ तो होटल दिखा दिया करो, अक्सर कहते हैं मतलब, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जब भी आप कलर शरीफ आएंगे तो इसके आसपास काफ़ी गेस्ट हाउस हैं, 2-4-5 घंटे की अगर बात है तो आपको यहाँ आराम से अच्छे रेट में रूम मिल जाएगा, और फुल नाइट के लिए चाहिए वो भी मिल जाएगा, और सिर्फ फ्रेश होना है नहाना धोना इन सब चीज़ों के लिए चाहिए फिर भी आपको रूम यहाँ अवेलेबल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको बाहर का एक बार दिखाता हूँ तो आपको देखो आसानी हो जाएगा, आप लोग समझ जाए कि कैसे आना है, कहाँ रूम है, किस तरीके। तो ये है सामने मज़ार और ये है पार्किंग, पूरी पार्किंग है ये, यहाँ जब गाड़ी लेकर आएंगे आप तो यहाँ कटेगा 50 रुपये की पर्ची आपकी, बाकी जब आप अंदर एंट्री कर दोगे ना, और ये देखो मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से देखो शुरुआत होती है, ये सारी देखो पूरे सारे गेस्ट हाउस होटल देखो टोटल ये वही है, कितने कितने बड़े बैनर लगा रखे हैं लोगों ने, देखो ये स्टेप से हैं ये, चलो ये समझ रखते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने प्यार मोहब्बत से यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं रह रहे हैं, देखो ऐसे ही प्यार बना के रखे हैं भाई सब लोग एक दूसरे से, वो अच्छा है। बाकी देखो जब अंदर एंट्री करेंगे सारी दुकान देखो पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से,